Do you know I am in media? I'll post this number. ये है जाबरा एलिट 4 एक्टिव। ये एक प्रीमियम ईयरफोन है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, सारी जानकारी देंगे। जहां पर मैंने इसके पहले भी जाबरा के कुछ ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग किया था, तो इनके जितने भी ईयरफोन्स होते हैं ये सारे प्रीमियम कैटेगरी के होते हैं। और आज थोड़ा सा बीच में फन मोड भी रहेगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा। एनीवेज फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। ये पैकेजिंग इनकी मुझे अच्छी लगती है, प्रीमियम कैटेगरी की होती है। और इस तरीके से पहले छोटा सा बक्सा निकलेगा और यहाँ से एक लेबल है, इसको ओपन करते हैं और एक डोर स्टाइल में आपको सब कुछ मिलता है। वेलकम यहाँ पर किया गया है। और सबसे पहले हम हमारे ईयरफोन को बाहर निकालते हैं, ये है। और ये जो चार्जिंग केस है ये पॉलीकार्बोनेट है, आपको ऊपर एक एलईडी लाइट भी देखने को मिलती है, पीछे टाइप सी पोर्ट है और 37 ग्राम्स का है विथ चार्जिंग केस। मैं ईयरबड्स मिलाकर आपको बोल रहा हूँ, तो उसका जो वेट है वो ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। और उसी के साथ बॉक्स में देखते हैं आपको और क्या कुछ खास मिलता है। तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं और टाइप सी केबल मिलता है चार्ज करने के लिए। अब ईयरफोन्स की बात करें तो आपको बता दें कि ये जो ईयरबड्स इनकी जो बिल्ट है ये भी पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन जो फिट है वो बहुत अच्छा है। कानों में लगाने के बाद अगर आप देखोगे इस तरीके से, तो जो फिट है, एक मिनट, तो जो फिट है वो बहुत ही अच्छा है, सिक्योर फिट है। जहां पर आप जॉग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो ये कानों से जल्दी गिरेगा नहीं। और ये IP57 वाटर और स्वेट प्रूफ है, तो जब गीले भी हो जाएगा तो ज्यादा इशू नहीं क्रिएट करेगा। 5 ग्राम्स के हल्के फुल्के से, इतना हैवी भी नहीं है। बाय द वे ये जो बटन्स है इसके ऊपर वो टेक्टाइल है। अब इनमें ये फायदा होता है ना कि एक्सीडेंटल टचेस नहीं होते, प्रॉपरली आप प्रेस करो और ये काम करो। तो मल्टीफंक्शन है, लेफ्ट पर अगर आपने सिंगल टैप किया तो आप एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ईयर थ्रू या फिर ऑफ, जैसा आपको ठीक लगे, वन क्लिक पर आप स्विच कर सकते हैं। राइट पर अगर आपने सिंगल टैप किया तो पॉज प्ले कर सकते हैं, अगर आप जो भी गाना वगैरह सुन रहे हैं। राइट पर डबल टैप किया तो आप ट्रैक स्किप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लेफ्ट पर अगर आपने प्रेस एंड होल्ड किया तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगी, राइट पर प्रेस एंड होल्ड किया तो वॉल्यूम अप हो जाएगी। और भी बहुत सारे आपको ऐसे मल्टीफंक्शन फीचर्स मिलते हैं जिनका आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे इनमें आपको बिल्ट इन अमेज़न एलेक्सा का सपोर्ट मिलता है, उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। या फिर अगर आप आईफोन यूज कर रहे तो आप सीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट गूगल असिस्टेंट का भी आपको सपोर्ट मिलता है। उतना ही नहीं, आपको स्पॉटिफाई का भी सपोर्ट मिलता है। आप स्पॉटिफाई के लिए भी अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं, डबल टैप करें तो उसमें भी काफी सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। ये सारी चीजें आप ऐप के थ्रू जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। साउंड प्लस करके इनका एक ऐप है प्ले स्टोर में, इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है। बेसिकली ये क्या करेगा कि बाहर की आवाज जो होती है, जैसे कि आप फैन चालू है, मशीन के पास कहीं आप बैठे हुए, फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे, बड़े बड़े इंजिन होते हैं ना, तो ये सारी जो आवाज है बाहर की ये उसको किल करता है और आपको क्लीन ऑडियो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। फिर चाहे आप गाने सुन रहे हो, आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, वहां पर एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। अब जितना भी मैंने टेस्ट किया हो अच्छा है, अच्छे से काम कर लेता है। लेकिन अगर आपको बाहर की भी आवाज सुनना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ईयर थ्रू वाला आपको एक फीचर मिलता है, मैंने आपको पहले तो शॉर्टकट बता ही दिया था कि आप टैप करके ही ईयर थ्रू ANC वगैरह के बीच में स्विच कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप गाने सुन रहे हैं आपको बाहर की आवाज सुनना है, बिना इसको निकाले ही आपने ईयर थ्रू एक्टिवेट कर लिया, बाहर जो चल रहा है वो आप सुन लीजिए, फिर आप उसको वापस ऑफ कर लीजिए या ANC मोड में चले जाइए। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल क्वालिटी की बात करें तो इनमें आपको 4 माइक्रोफोन्स मिलते हैं और ये जो माइक्रोफोन है ये एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ईयर थ्रू इन सब में ज्यादा हेल्प करती है, उससे ज्यादा कॉल क्वालिटी में भी ये बहुत हेल्प करती है। और यहां पर मैं कुछ आपको रियल टाइम टेस्ट देता हूं कि इसमें एक्सपीरियंस कॉलिंग के वक्त कैसा मिलता है। तो पहला कॉल हमने लगा दिया है, टेक्नोलॉजी ज्ञान मनोज सारू, प्रैंक करते हैं इसको। हेलो, हाँ जी सर, मैं हांगकांग शंघाई बैंक से बोल रही हूँ। अच्छा, कहाँ से बोल रही हो? हांगकांग शंघाई बैंक से। अच्छा, मुझे लगा मुंह से बोल रहे हो। अरे सर आप मजाक नहीं करिए, मैं हांगकांग शंघाई बैंक से बोल रही हूँ। आप 5,000 रुपीज जीत चुके हैं सर। अच्छा जी सर, और इसको हिंदी कैसे आती है? हिंदी कैसे आ रही है सर? हमारा ब्रांच इंडिया में है ना, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके लिए क्लेम करने के लिए आपको हांगकांग खुद से जाना पड़ेगा, फ्लाइट का खर्चा भी आपको। तू समझ जाता है ना कि तुझे कोई उल्टा पुल्टा कॉल कर रहा है। सो दोस्तों, मनोज सारू बड़ा होशियार निकला है, इसको पता चल गया था शायद, मुझे ऐसे लग रहा है। और फाइनल में सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है, मेरा हार्ट बीट तेज हो रहा है। हम कॉल करेंगे गीकी रंजीत जी को, ये बड़े मूडी इंसान है। अब देखते हैं कि इनका क्या रिएक्शन होता है। मैं अपने आप को बहुत बुरी तरीके से एम्बैरेस करने वाला हूँ, रंजीत जी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कभी कभी। हेलो, हेलो, यस, एम आई स्पीकिंग विद रंजीत? या, हू इज दिस? या, आई एम कॉलिंग फ्रॉम हांगकांग शंघाई बैंक। ओके सर, यू हैव वन 5,000 रुपीज।
रुको जरा, सबर करो. I'm not interested. Don't make marketing calls like this, okay? Sir, you can claim just by submitting 1 rupees only. Do you know I'm in media? I'll post this number as a scam and an idiotic thing. Hmm? Sorry, sir. Sorry. Try to scam somebody else, you moron. अरे बाप रे, मैंने बोला ला सामने उतर दुपट डालता मुझे. वैसे ऐप जो है इसका इंटरफेस काफी अच्छा है, जहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. सिंगल टैप पर आप यूज कर सकते हैं, इक्विलाइजर वगैरह आपको मिलता है. सेटिंग्स में आप कॉल क्वालिटी के ऑप्शंस, या अगर आपको वॉइस असिस्टेंट को कस्टमाइज करना है, और भी बहुत सारी चीजें. आप रजिस्टर करके वारंटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. और उतना ही नहीं, आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है. तो जो रेंज और जो कनेक्टिविटी ऐप के थ्रू मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है. रही बात बैटरी की दोस्तों, तो आपको अप टू 28 आवर्स बैकअप मिलता है विद चार्जिंग केस, और साथ में 7 आवर्स का बैकअप मिलेगा ईयरबड्स में. अगर आपने एक बार चार्जिंग केस को फुल चार्ज कर लिए, ईयरबड्स निकाल लिए, तो 7 घंटे तक आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. और फिर आपने इनको वापस लगा दिया, तो ऐसे 28 आवर्स तक आपको बैकअप मिलता है, विच इज़ गुड. और उतना ही नहीं, आपको क्विक चार्जिंग भी मिलती है. अगर आपने इसमें 10 मिनट चार्ज कर लिया, तो 1 घंटे तक आप यहाँ पर गाने वगैरह सुन सकते हैं या जो चाहे वो कर सकते हैं. और चार्जिंग की बात करें तो हाँ, इसमें थोड़ा समय लगता है, 180 मिनट्स, लगभग 3 घंटे के आसपास इनको फुल चार्ज करने के लिए लग जाएगा. गूगल का फास्ट पेयर भी है. एक बार आपने अपने फोन से कनेक्ट कर लिया, उसके बाद जब भी आप चार्जिंग केस के लिड को ऐसे ओपन करेंगे, ब्लूटूथ ऑन रहेगा आपके फोन में, ये इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है. तो इस तरीके से गूगल फास्ट पेयर भी आपको मिलता है, बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. और साथ ही साथ दोस्तों, आपको इसमें मोनो मोड भी मिलता है. अगर आप एक टाइम पर एक ईयरफोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक अंदर रहेगा, वो चार्ज होता रहेगा, और आप एक ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मैं ज्यादातर इस्तेमाल खुद भी पर्सनली करता रहता हूं, तो ये भी चीज आपको मिलती है. फाइनली ऑडियो एक्सपीरियंस की बात करें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ईयरफोन में, और इसमें ऑडियो एक्सपीरियंस अच्छा है. हाउएवर, मुझे ये नहीं पता है कि कितने एमएम के ड्राइवर से, अगर पता चलेगा तो मैं आपको स्क्रीन पर यहां पर अपडेट कर दूंगा. लेकिन काफी लाउड है, पहले तो उसकी बात करते हैं. ये देखेंगे तो लाउडनेस यहां पर काफी अच्छी है. और दूसरी चीज, बेस अच्छा है. मैंने जितने भी यहां पर गाने सुना हूं, और उसमें जो मुझे बेस मिला है वो अच्छा मिला है. और लाउडनेस की वजह से क्या होता है कि बाहर की आवाज भी आपको वैसे भी ज्यादा सुनाई नहीं देगी, तो वहां पर एक्सपीरियंस यहां पर अच्छा है. तो स्टेरियो इफेक्ट भी जो मुझे मिला था वो मुझे वहां पर अच्छा मिला था, तो ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है. ऑडियो एक्सपीरियंस जितना भी मैंने इसको इस्तेमाल किया हो वो अच्छा है. हाँ, वोकल्स थोड़े हैवी होते, वोकल्स थोड़ा क्लियर रहता तो और भी ज्यादा अच्छा होता था. तो जाते जाते इसके बारे में एक ही चीज कहूंगा कि डेफिनेटली ये प्रीमियम क्वालिटी का है. आपको क्लिकेबल बटन्स मिलते हैं, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, बैटरी लाइफ मुझे यहां पर अच्छी मिली है, साथ में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, ईयर थ्रू वगैरह है. और फिट, जो कानों में जो फिट है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा है. जल्दी कानों से गिरता नहीं है और इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है. तो ओवरऑल क्वालिटी तो अच्छी है. हाँ, लेकिन प्राइस ज्यादा है, 9,000 रुपए का आपको मिलेगा. और अमेजोन के ऊपर ये अवेलेबल है, लेकिन काफी ऑफर्स भी है, क्या पता और भी प्राइस नीचे हो जाए. लेकिन इनकेस अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें चेकआउट करना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. तो इतना इस वीडियो में. ऐसे प्रीमियम क्वालिटी के ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग और चाहिए तो कमेंट में ना मुझे जरूर से बताना. लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग.